नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के एक नए टॉपिक विशेषण की बात करेंगे। आज इस क्लास के माध्यम से हम विशेषण की पहचान, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार और विशेषण होता क्या है, यह सब जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको हिंदी के दो टॉपिक क्लियर कर चुका हूं, एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। आज हम बच्चों विशेषण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। विशेषण वास्तव में किसी की क्वालिटी का बोध कराता है, अर्थात किसी की विशेषता का बोध कराता है। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सर्वनाम भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। विशेषण आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से समझेंगे, विशेषण जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी डेफिनेशन लिखी है, मैं उसे एक बार पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, मतलब कि क्वालिटी विशेषता का बोध कराता है, उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। याद रखना बच्चे ये भी, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। और जिसकी विशेषता बतलाते हैं वह क्या कहलाता है, विशेष्य। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूं, काला घोड़ा। घोड़ा कैसा है, काला। घोड़े की क्वालिटी क्या है, काला होना। तो काला विशेषता है, इसीलिए ये क्या है, विशेषण। और कौन है काला, वो है घोड़ा। तो घोड़ा क्या हुआ, विशेषण, इसीलिए इसे क्या कहेंगे आप, विशेषण। और आप इसे क्या कहेंगे, विशेष्य। कई बार परीक्षा में बच्चों ये बात पूछी गई है, एक आपको वाक्य दे देगा और उसमें किसी भी शब्द को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा कि यह क्या है, वो हो सकता है विशेष्य भी हो सकता है। ऐसे ही मैंने एक उदाहरण और लिखा है, लाल पेन। पेन की क्वालिटी क्या है, खास बात क्या है पेन की, पेन तो काला भी होता है, नीला भी होता है, लेकिन यहां पर पेन की क्या खास क्वालिटी है, पेन क्या है, लाल। तो लाल पेन, लाल कौन है, पेन। तो लाल क्या हुआ यहां पर, विशेषण। और लाल किसकी क्वालिटी है, पेन की। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, विशेषण। और जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है वे क्या कहलाते हैं, विशेष्य। तो ये क्या कहलाएगा आपका, विशेष्य। और ये क्या कहलाएगा आपका, विशेषण। बच्चों आप लोग ध्यान रखना, विशेषण हिंदी व्याकरण में चार प्रकार के होते हैं। हम चारों प्रकार की बात डिटेल में करेंगे, क्योंकि विशेषण के प्रकार भी पूछे जाते हैं, उसकी भी बात अभी हम आगे करेंगे। पहले अभी केवल विशेषण पहचानना सीखते हैं, क्योंकि विशेषण अभी तो केवल मैं इस क्लास के माध्यम से तो मैं आप लोगों को केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विशेषण होता क्या है। इसके आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि विशेषण के प्रकार, जैसे गुणवाचक विशेषण होता है, आप गुणवाचक विशेषण नंबर एक, दूसरे और भी विशेषण पढ़ेंगे। अभी देखेंगे, एक मैंने पूरा स्टोरी टाइप लिखी है बोर्ड पर, उस स्टोरी में हम विशेषण पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं बच्चों, विशेषण। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं, विशेष्य। देखो, गांव के बाहर मेला लगा है, एक स्टोरी चल रही है, गांव के बाहर मेला लगा है, मेले में अनेक दुकानें हैं। मेले में क्या है, दुकानें। और दुकानें कितनी है, दुकानों की खास क्वालिटी क्या है, दुकानें क्या है, अनेक। तो यहां पर अनेक क्या है, विशेषण। और अनेक क्या है, दुकानें। तो दुकानें क्या है, विशेष्य।
आगे इसी में पढ़ते हैं, मेले में बड़े बड़े झूले लगे हैं। मेले में क्या लगे हैं? झूले। कैसे लगे हैं? बड़े बड़े। तो बड़े बड़े यहां पर क्या है? विशेषण। और बड़े बड़े क्या लगे हैं? झूले। तो झूले यहां क्या है? विशेष्य। झूलों पर बहुत से बच्चे। तो कौन बच्चे? कितने? बहुत से। तो बहुत से भी यहां पर क्या है? विशेषण। मैं आगे आपको बताऊंगा कि बहुत से क्या, कौन सा विशेषण होता है। विशेषण के जब प्रकार आप लोग पढ़ोगे तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसकी बात। आगे देखेंगे, झूल, बच्चे झूल रहे हैं। सभी बच्चे, कितने? कौन बच्चे? सभी बच्चे। तो सभी भी क्या है यहां पर? विशेषण। और बच्चे क्या है? विशेष्य। नए नए कपड़े पहनकर आए हैं। कैसे कपड़े पहनकर? नए नए कपड़े। तो नए नए भी क्या है यहां पर? विशेषण। और कपड़े भी क्या है यहां पर? विशेष्य। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे कि विशेषण होते क्या है। आप लोग फिर दोबारा से समझ लो, जो भी शब्द किसी की खास क्वालिटी बताए वही क्या कहलाता है? विशेषण। और बच्चों आप लोगों को यह याद रखना चाहिए, अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको विशेषण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हमारा विशेषण जब हम कहीं बोलते हैं तो वो स्थान के साथ साथ, समय के साथ साथ परिवर्तित भी होता रहता है। बच्चों अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ विशेषण की परिभाषा, विशेषण की पहचान ही बताई है। आगे आप सुनेंगे, विशेषण हिंदी व्याकरण में चार प्रकार के होते हैं, जिनकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं थोड़े ही दिन बाद, एक दो दिन बाद ही, कल से परसों से ही आप लोगों को मनोविज्ञान की भी क्लास वीडियो के माध्यम से देने लगूंगा। और मैथ्स की क्लास तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।